में कोविड 19 के रोकथाम और बचाव के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मल्टीमीडिया अभियान की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम का आयोजन गोरखपुर जनपद के एम्स में किया गया, जिसका उद्घाटन एम्स की इंस्टीट्यूट डायरेक्टर डॉक्टर सुरेखा किशोर ने किया। यह अभियान 28 सितंबर से शुरू होकर 10 दिनों तक चलेगा। अभियान में गीत, संगीत, नाटक जगह जगह प्रस्तुत किए जाएंगे, प्रदर्शनी लगाई जाएगी, पोस्टर बैनर होल्डिंग भी लगाकर जनता को जागरूक कर कोरोना महामारी से बचाव के उपाय बताए जाएंगे। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी के सिद्धांत का पालन करने की जनता को सुझाव दिया जाएगा। डायरेक्टर डॉक्टर सुरेखा किशोर ने सच्चाई बायर्न को झंडी दिखाकर रवाना किया। डॉक्टर सुरेखा किशोर को एक पौधा स्मृति चिन्ह के रूप में सहायक निदेशक नरसिंह जी ने दिया। किसी भी हेल्थ वर्कर को या फिर डॉक्टर को एक बार परीक्षण करा लेना चाहिए और जहां तक हो सके अपनी टेस्टिंग करा लेनी चाहिए, और अगर टेस्टिंग में वो पॉजिटिव निकल आते हैं तो उनको ने मास्क पहना हुआ है, तो कि जिस तरह से हम जो कीटाणु है या जीवाणु है इनका ट्रांसमिशन रोक देते हैं दूसरे की तरफ जाने से या अपने ऊपर आने से, तो एक मास्क का धारण करना बहुत जरूरी है। और दूसरा चीज ये है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कम से कम 1 मीटर या 2 फीट की दूरी 2 लोगों के बीच में होनी चाहिए, और उससे भी हम ये जीवाणुओं की जो ट्रांसमिशन है उसको रोक सकते हैं अपनी तरफ आने से, या फिर अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हेल्दी पर्सन की तरफ ये ट्रांसमिशन नहीं होगा। तीसरी चीज है जितना हो सके अपने हाथों को सैनिटाइज करें, और सैनिटाइज के साथ साथ जब भी समय मिले साबुन और पानी से 40 सेकंड तक कम से कम अपने हाथ धोने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। पेशेंट के साथ एक केयर गिवर 24 घंटे अवेलेबल होना चाहिए जो डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर को अपडेट्स रेगुलरली देता रहे। पेशेंट के कॉन्टेक्ट में आने के बाद हाथों को साबुन और पानी से 40 सेकंड तक अच्छे से धोना है या सैनिटाइज करना है। पेशेंट के साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग, डिस्पोजेबल हैंड ग्लव्स, ट्रिपल लेयर मास्क पहनना और डिस्कार्ड करने के बाद